जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर रेंज के आईजी रवि दत्त गौड़ ने बताया कि कोरोना महामारी का संकट पूरे संभाग में ही बढ़ रहा है। कोटा रेंज के अधिकतम सीमाएं दूसरे राज्यों से भी लगती हैं। सभी जगहों पर पर्याप्त नाकेबंदी कर रखी है। नाकेबंदी में पर्याप्त पुलिसकर्मी व स्वास्थ्य कर्मी है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि अन्य राज्य से कोई भी व्यक्ति राजस्थान की ओर न आए। अगर अति आवश्यक कार्य से आते भी हैं तो आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही राजस्थान में प्रवेश करवाया जाता है, अन्यथा उन लोगों को वापस अपने राज्य में भिजवा दिया जाता है। आने वाले व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड भी रखा जाता है। राज्य सरकार की ओर से जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसकी पूर्णतया पालन करें। आईजी ने बताया कि कोटा शहर में जब भी निरीक्षण के लिए निकलता हूं तो मैंने देखा कि करीब 80-90% लोगों ने मास्क लगाया होता है। लोगों में मास्क लगाने की यही आदत रही तो जल्द ही हम संक्रमण से मुक्त होंगे। संक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, चाहे कोटा हो, बूंदी, बारा, झालावाड़, पूरे कोटा संभाग में डेली कोरोना संक्रमित पेशेंट्स की संख्या भी बढ़ रही है। और निश्चित रूप से अगर पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है तो हॉस्पिटल्स में भी खाली बेड नहीं बचे हैं और हॉस्पिटल्स भी फुल हैं। लोगों को पर्याप्त रूप से सुविधा नहीं मिल पा रही है, इसलिए ऐसे समय में बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप अपने आप को बचाएं, अपने आप को कोरोना के संक्रमण से दूर रखें। जो भी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है उन गाइडलाइंस की पूरी तरह पालना करें, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग रखें, दो गज की दूरी पर रखें लोगों से, मास्क लगा के ही बाहर निकलें, न किसी के घर जाएं, न किसी को आमंत्रित करें। और सभी सरकारी नियमों की पुलिस जो भी बताती है, जो भी सलाह दे रही है, उस सबकी पालना करें, क्योंकि कोरोना संक्रमण से बचाव ही आपको आगे ले जा सकता है। ये तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में काफ़ी मुश्किलें खड़ी होंगी। कोटा संभाग के 3 जिलों की सीमाएं मध्य प्रदेश राज्य से भी लगती है, जिसमें झालावाड़ जिले में 9 स्थानों पर, बारां जिले में 11 स्थानों पर और कोटा ग्रामीण अंचल में 7 जगह पर, 7 पुलिस स्टेशन में सीमाएं लग रही है मध्य प्रदेश। इन सभी जगह हमने नाकाबंदी कर रखी है। नाकाबंदी में पर्याप्त पुलिसकर्मी है, स्वास्थ्यकर्मी है, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य से राजस्थान में कोई व्यक्ति नहीं आए, और अगर वो आ रहे हैं तो एनटीपीसीआर टेस्ट करवा करके नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के दाखिल हो। अगर वो नहीं लेकर दाखिल हो रहे हैं तो उन्हें वापस से भेजा जा रहा है, उनका पूरा रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है और ब्यौरा भी लिया जा रहा है, ताकि एक दूसरे स्टेट में आकर के कोरोना संक्रमण से फैलाव की गुंजाइश की जाए। कल से नई गाइडलाइन शुरू होगी। मेरा सभी से अनुरोध है कि नए गाइडलाइन में जो भी नियम बताए गए हैं उन सभी की पूर्णतः पालना करें, और जो बेसिक इसका गोल्डन रूल है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, उसकी पूरी तरह से पालना करें।